पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जंगली जीवों का आबादी के बीच जाना बंद नहीं हो पा रहा है। जंगल से सटे कलीनगर क्षेत्र में एक बाघ निकलकर आबादी के बीच पहुंच गया। बाघ को देखते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करके सुरक्षित जंगल में वापस छोड़ दिया है। हाल ही में टाइगर रिजर्व एरिया में मानव वन्य जीव संघर्ष की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जंगली जीवों के हमलों में कई ग्रामीणों ने जान भी गंवाई है। जंगल से सटे माधोटांडा कलीनगर थाना क्षेत्र में टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ आबादी वाले इलाके में विचरण करते देखा गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अध्यक्ष गंगवार और उनकी टीम ने बेहद सुरक्षित तरीके से बाघ को ट्रैंकुलाइज करके वापस जंगल में छुड़वाया। बाघ के विचरण से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल सर्दी के मौसम में टाइगर रिजर्व एरिया से अक्सर वन्य जीव निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। सुबह और दिन के समय अक्सर बाघ व दूसरे जंगली जीव जंगल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। कलीनगर क्षेत्र में बाघ दिखने पर स्थानीय लोगों ने भी बाघ के शांत माहौल में दीदार किए। वहीं बाघ भी बिना आक्रामकता के घूमता फिरता रहा। काफी देर बाद बाघ को रेस्क्यू किया जा सका। बाघ के आबादी वाले क्षेत्र में आने और रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि टाइगर रिजर्व में दूर दूर से पर्यटक बाघ और दूसरे वन्य जीवों के दीदार के लिए जंगल आते हैं। इन दिनों टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुला हुआ है।